सिंगाना सर्किल पर फायरिंग का मामला, फायरिंग करने वाले बाइक सवार युवकों की हुई पहचान, चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला। फायरिंग करने वाले बाइक सवार युवकों को पीड़ित रामनिवास ने पहचान लिया। पीड़ित रामनिवास ने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव के दौरान उसे चुनाव लड़ा था, जिसको लेकर गांव के अनिल गुर्जर से उसकी रंजिश चल रही थी। पूर्व में करीब 3 साल पहले खेतनगर में तथा नानू वाली बावड़ी में फायरिंग करने की वारदात को अंजाम दिया था। रामनिवास बताया कि फायरिंग की वारदात को अंजाम देने आए युवकों को वह पहचान गया, जिसमें मुरादपुर का संजय महला पुत्र बलबीर जाट बाइक चला रहा था। इसके पीछे लोकेश गुर्जर उर्फ लक्की बांसल का रहने वाला था। वही तीसरे युवक को पहचान नहीं सका। बाइक पर बीच में बैठे लोकेश उर्फ लक्की के हाथ में पिस्तौल लेकर उस पर फायर किया। करीब 12:15 बजे और मेरी गाड़ी अल्टो थी, किसी दोस्त की मांग के लेके गया था मैं। वहाँ से मैं सुबह के होटल पे मेरी गाड़ी की चाबी थी, वो लेके मैं निकल रहा था। निकलते ही मैंने जैसे गाड़ी को बैक किया, 3 लड़के आए। तीनों लड़कों में से बीच में जो बैठा था उसने फायर किया मेरी गाड़ी के ऊपर और उसने नार रोड की तरफ भाग गए। जो बाइक चला रहा था उसका नाम संजय महला है, मुरादपुर का रहने वाला है, और जो गोली चलाई उसका नाम लोकेश उर्फ शूटर है, जो बांसियाल कुड़ी की डांडी का है। तो इनसे आपकी क्या दुश्मनी है? इनसे तो खुद से तो कोई दुश्मनी नहीं, मेरे गांव का अनिल है उससे मेरी दुश्मनी चल रही है, गांव से गांव के कोई चक्कर में चल रही है। उसने मेरे पास 2 बार पहले भी मेरे ऊपर अटैक करवा दिया, एक बार खुद भी उसमें शामिल था। पिछले 1 अप्रैल को हुआ था, 12 महीने से वो अब छुट के आया जेल में, 1 महीने पहले ही छुट के आया। क्या मामला दुश्मनी चल रही? गांव के वजह मैंने चुनाव लड़ा था सरपंची गांव, उसी चक्कर में गांव के कुछ लोग हैं उनके चक्कर में वो आके दुश्मनी चल रही है माथे में मारने के लिए। लेकिन मैंने गाड़ी को आगे दौड़ाया, वो दौड़ने के कारण उसका फायर नहीं लगा, उस फाटक में जाके लगा, दूसरा फायर किया तो वो उनका मिस हो गया, नहीं हुआ फायर उसका। मोटरसाइकिल पर आए तीनों ही युवक अनिल गुर्जर के गुर्गे हैं, जो पहले 2 बार भी फायरिंग की घटना को अंजाम दे चुके हैं। फायरिंग करने वाले दोनों पर पहले से कई थानों में मुकदमे दर्ज है। पूरी मामले की जांच पड़ताल पुलिस जुटी हुई है। सिंगाना सर्किल पर फायरिंग करने वाले बाइक सवार 3 युवक सीसीटीवी में आए। आरोपियों की धरपकड़ के लिए बनाई पुलिस की 4 टीम। सिंगाना सर्किल पर गुरुवार दोपहर को आल्टो सवार युवक पर 3 बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद आरोपी बिना नंबरों की बाइक लेकर नारनौल की तरफ भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भागते हुए आरोपी बाइक पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी। वही 4 टीमों का गठन किया गया है। डीएसटी खेतड़ी नगर, खेतड़ी व सिंगाना की पुलिस को आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार लगाया गया है। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों युवक बाइक लेकर नारनौल की तरफ भागते हुए दिखाई दिए हैं। तीनों युवकों ने उस पर फायर कर दिया। फायर करने पर गोली गाड़ी की फाटक में जाकर लगी, जिससे वो बच गया। इसके बाद बाइक पर बीच में बैठे युवक ने दोबारा फायर करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पिस्टल अटक जाने के कारण फायर नहीं हो सका। मुस्तकिस बता रहा है कि ऐसी घटना हुई है, नाकाबंदी वगैरह करवा ली और मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया।